जय हिंद सभी साथियों को। और हमारे जो यूपीएससी का जो इस बार आईएएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करके जो बैठने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि किस तरह से मैं आपको प्रिपरेशन का कुछ टिप्स इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चूँकि आपको पता है फॉर्म आपने फिलअप किया है तो पीटी का जो एग्ज़ामिनेशन जो है वो अक्टूबर तक आपको स्थगित कर दिया गया है। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है, जो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि अभी अक्टूबर तक इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। यानी अक्टूबर से पहले एग्ज़ाम तो हो ही नहीं, अक्टूबर तक ही कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है नवंबर तक लास्ट में हो। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या हो गया कि हमें एक वक्त मिल गया। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि यूपीएससी यानी कि जो आप प्रिपरेशन हम लोग करते हैं इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी के साथ साथ हमको स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है। तो अभी हम लोगों के लिए एक वक्त मिल गया है जिसके इसको भी हम लोग पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है पीटी में दो पेपर होता है जिसमें पेपर वन और पेपर टू होता है, सब 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो है पेपर वन में जो पेपर होता है वो हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है एंड करेंट अफेयर्स मिला के मिसलिनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको तैयार होते हैं एग्ज़ाम के लिए पेपर वन के लिए। और पेपर टू के लिए जो है वो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, एप्टीट्यूड टेस्ट है या डिसीजन मेकिंग है। ये हमारा पेपर टू का सिलेबस है या ये कह सकते हैं कि ये इसकी हमारी टॉपिक है। तो इन टॉपिक को कंप्लीट कैसे करें और हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से स्मूथ करें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पेपर का जैसे प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, आपको पता है एनसीईआरटी को ज़रा सा अभी हमारे पास देखिए अभी कितना अक्टूबर है, अभी हमारे पास कंप्यूटर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो अभी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हमारे पास फोर मंथ का मतलब है इतना वक्त होता है कि आप अगर आज से भी अगर प्रिपरेशन तैयारी करेंगे ना तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। आप एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा सा फ्लो कर लीजिए, बढ़िया से थोड़ा सा देख लीजिए। खास करके आपको इधर उधर ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर वन आपको जो तैयार करेगा वो एनसीईआरटी बुक से आपको तैयार कर देगा। बेसिक ये आप यहाँ तक आप 12th तक के एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए और उसके या फिर स्टडी कर चुके हैं तो उसका नोट्स जो बना है उस नोट्स को रिविज़न करिए। और आप एक हिंदू पेपर आप ज़रूर लेते होंगे, हिंदू पेपर का एडिटोरियल पार्ट जो है वो पार्ट आप ज़रूर पढ़ें। हिंदू पेपर को मैं को अब ज़्यादा एक बताता हूँ क्योंकि हिंदू पेपर में से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है यूपीएससी में, हमेशा याद रखिएगा। हिंदू पेपर पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको बेसिक जो फंडामेंटल जो चीज़ें पढ़ना होगा वो आपको एक तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, दूसरा हिंदू पेपर पढ़ लेंगे, तीसरा जो है आप जो है एक प्रैक्टिस सेट रखेंगे। यानी एक प्रैक्टिस सेट, वैसा सेट प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। इससे क्या होगा कि हमें नए नए क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। साथ में आप जो प्रीवियस क्वेश्चन का सेट जो आता है वो आप प्रीवियस सेट आप इस क्वेश्चन सेट से आप प्रॉब्लम बनाना शुरू कर दीजिए, पहली बात। दूसरा यह है कम्युनिकेशन स्किल में आपको पूछा जाएगा पेपर टू में, इंटर पर्सनल स्किल पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट और डिसीजन मेकिंग। वो हर इंसान का अपना अपना एक सोच और थॉट होता है, उस हिसाब से आप बनाएंगे। तो पेपर टू के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए, है ना, उसको आप सॉल्यूशन करें। और कुछ मैथ्स का हल्का होता है, कुछ डिसीजन मेकिंग होता है, कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उन सभी क्वेश्चन का भी आप प्रीवियस क्वेश्चन का आप टेस्ट बनाएं। खास करके आप एक बात याद रखिएगा कि आपके प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ यूपीएससी का आपका आप 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करें। दूसरा आप यूपीपीएससी के क्वेश्चन को भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, उसके आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को आप बनाना सॉल्व करें। और तीसरा जो है आपको जो है बीपीएससी का जो सीट पार्ट जो होता है, सॉरी जीपीएससी को ले लीजिए, जीपीएससी का आपका चूँकि एग्ज़ाम इसमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसका 3 ईयर्स को आप प्रैक्टिस में आप रखिए। देखिए आने वाले दिनों में इतना अगर आप कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ तो आपके सिलेक्शन में बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होने का टारगेट या यूँ कह सकते हैं चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा मेरे फ्रेंड्स। सो इसलिए आप प्रिपरेशन में लगाए रखें। मैं आपको अगला वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको कितना कम समय में हम पीटी क्वालिफाई करेंगे, चूँकि आपको ये मैं
साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा कि यूपीएससी का स्टडी प्लान किस प्रकार आप स्टडी करेंगे, और ताकि आपको कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन। क्योंकि देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन हमारे अगर स्पीड अगर अच्छी हो, अगर प्रिपरेशन अच्छा हो, तो हमें भी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि क्वालिफिकेशन जो होता है, इसमें जो क्वालिफाई होता है वो एक स्टूडेंट ही क्वालिफाई होता है, वो भी एक नया ही बंदा भी क्वालिफाई करता है। आप देखे होंगे कि नए नए बच्चे जो 21 साल के हैं, जो अभी एजुकेशन क्वालिफाई के हैं, वो भी आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं और रिजल्ट को दे देते हैं। मैं इस वीडियो आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसका यूपीएससी का प्रिपरेशन का जो